उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में स्थित गृहस्थ प्लाजा में आज राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाज पार्टी के फौजी किशन लाल गौड़, संगठन मंत्री घोसी लोकसभा 70 ने एक प्रेस वार्ता के जरिए इस बात को जनता के सामने लाने की कोशिश की है कि मैं मऊ जनपद का रहने वाला हूं और एक तरफ गैर जनपद का रहने वाला प्रत्याशी जिसका ना कोई मुद्दा है ना कोई स्थानीय समस्या का मालूमात, सब करोड़ों रुपए से टिकट खरीद कर चुनाव लड़ेंगे और जीतेगा तो पहले जनता के अधिकार को लूट कर पैसा निकालने का काम करेगा। दूसरी तरफ आपके जनपद का लाल फौजी किशन लाल गौड़, जो जिले के हर समस्या को बचपन से देखता आया हूं तथा जिसने फौज की नौकरी करके देश की रक्षा कर आज आपके बीच में अपना प्रतिनिधित्व करने आया हूं, यदि मौका मिला तो श्री स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के अधूरे सपने को पूरा करके दिखाऊंगा। ये एक फौजी का वादा है, जो फौजी ठान लेता है वो करके दिखाता है। इसलिए मऊ की जनता से अपील करता हूँ कि नेता नहीं बेटा चुनिए जो आपके विश्वास पर खरा उतरे। मऊ से HN आजमी की रिपोर्ट। टिकट नहीं मिलता है, लेकिन बाहर के लोगों को हमारे जनपद से टिकट मिल जाता है। फौजी हूँ, ये सब देख करके मेरे को रहा नहीं गया, इसलिए मैं चुनाव के मैदान में उतरा, चुनाव लड़ा। मेरा मुद्दा यही है कि आज के डेट में हमारे जनपद में न कोई कल है न कोई कारखाना है। हमारे जनपद का कल्पनाथ राय के जाने के बाद हमारे जनपद का कोई विकास नहीं हुआ। आज 25 साल हो गया, लगभग पाँचवें MP हैं ये। इन पाँचों MP से अगर से पूछा जाए हमारे जनपद का कि अगर से एक एक MP एक एक काम भी किया होता तो आज ठोस काम हमारे जनपद का 5 काम हुआ होता, लेकिन इनके पास किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ये सब मुद्दा लेकर के मैं अपने जनपद के लिए एक फौजी क्रांतिकारी बन के उतरा हूँ और हम अपने जनपद का एक बहुत बड़ा मतलब जैसे कि एक नर्सिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज, ये हमारा मेन मुद्दा है चुनाव के मैदान में आने का। ये मेन मुद्दा है, अगर से ये जो कॉलेज बनेंगे ना तो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और जाके पूरे भारत